साथियों नमस्कार, हमारे साथ अभी अशोक हैं जो 10वीं टीचर का पेपर देकर के आए हैं। यही वो प्रश्न पत्र है जिसे देखने का आप सभी इंतजार कर रहे हैं। आपके पेपर में कहां से कौन से सब्जेक्ट से क्या प्रश्न पूछे गए, ओवरऑल पेपर क्या रहा चंडीगढ़ नर्सरी टीचर का, उसी को लेकर के अभी हम बात करेंगे। अशोक, आपका पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा। और कितने प्रश्न आए थे आपके पेपर में? कुल टोटल 150 क्वेश्चन थे। तो 150 में से आपने कितने क्वेश्चन किए होंगे? मैंने 130 किए। 130 प्रश्न आपने किए हैं। तो ओवरऑल पेपर को लेकर आपका क्या कहना है? आसान पेपर था या मुश्किल था, या फिर ये कहें कि एवरेज मॉडरेट पेपर था? एवरेज मॉडरेट पेपर था, क्योंकि इसमें जो है बच्चों की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो था तो पूछा ही लेवल का दिया हुआ था, जिसमें माने जा हर व्यक्ति बच्चा जो भी था सोचने के लिए बस हो गया भी क्वेश्चन कैसे कहाँ से घुमा फिरा कर किस प्रकार दीजिए, क्योंकि पेपर सेटर जो है वो बच्चा एक विशेषज्ञ होता है जो तकरीबन बड़े अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता है। अशोक, सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा था इस पेपर? सबसे आसान सब्जेक्ट इसे मैथ का रहा। अच्छा, मैथ करा। अच्छा, मैथ को लेके अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बच्चे से बात कर रहा था, कुछ लड़कियों से भी बातचीत थी, उनका कहना था कि मैथ तो बड़ा मुश्किल था, आप कह रहे हैं आसान था। मैं कहूँ कि मैथ से आसान और कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैथ जो है ना सबसे ईजी था। परंतु ये कारण होता है कि जो लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए आसान होता है, जो कभी कभार करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। ये हो सकता है कि मैथ के साथ में आप लगातार जुड़े रहे होंगे, प्रैक्टिस वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो हॉबी है वो टीचिंग की होती है, मैं अक्सर बच्चों को टीच करता हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल सेक्शन कौन सा था आपके पेपर में? इसमें सबसे मुश्किल जो सेशन था वो पंजाबी रहा, क्योंकि पंजाबी जो है आउट ऑफ रेंज था, वो पंजाबी हमारे को आती नहीं है, इसलिए जो है। और जो अपना एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोजी वाला सेक्शन था वो सबसे बेस्ट था, वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि बच्चे की कक्षा के अनुसार किस प्रकार पाठ्यक्रम होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, वो सब कुछ बड़े ऑलमोस्टली बड़े अच्छे तरीके से टाइम किया होता है। अच्छा, साथियों मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मेनी मेंबर्स? हिंदी में भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, कमेंट करके बताएं। एक और प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ चलो एक और प्रश्न बता ही देता हूँ, पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। एक और बता देता हूँ, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पेपर में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपके पेपर के अंदर जो सही मिलान करें ये वाला प्रश्न भी आपको दिया गया है। तो एक बहुत बढ़िया पेपर ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि बना करके दिया गया था। अगर ये पेपर इतने सारे बच्चों ने दिया है, जैसा कि आज दिन भर भीड़ यहाँ पर चंडीगढ़ में लगी रही, तो आपका क्या मानना है कि सभी बच्चों की राय यही होगी कि पेपर एवरेज था, या कुछ बच्चों का ये भी कहना होगा कि मुश्किल पेपर रहा होगा? आपने अनुसार आपकी और भी बच्चों से बात हुई होगी? हाँ, और बच्चों के साथ ही मेरी बातचीत हुई, तो वो मोस्टली ये बात विचार आया कि पेपर जो है मिली जुली प्रतिक्रिया है तो बच्चों की, क्योंकि कई व्यक्ति इसको बताते हैं बड़ा मुश्किल है, कई कहते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया मैथ बहुत ईजी था, और कई व्यक्ति कहते हैं इंग्लिश जो है घुमा फिरा कर देगी, तो सबका अपना व्यू होगा। अशोक, आखिरी बात, आपने DSSB के लिए भी अप्लाई किया हुआ नर्सरी टीचर के लिए? जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि DSSB के लेवल की तैयारी अभी है ये पेपर देने के बाद आपकी? हाँ हाँ जी, उसकी तैयारी के लिए आपको दोबारा थोड़ा और स्ट्रगल करेंगे, जिसमें हमारे बेटर अच्छे तरीके से हमारे नंबर आए, और हम ये चाहेंगे कि सभी बच्चे जहाँ तक जो भी इसको खबर को देख रहे हैं कि वो भी इसे कुछ प्रेरणा दें, क्योंकि देखो हम शरीर से तो ऐसे होते हुए भी बड़ी मुश्किल से सफ़र करके मैं यहाँ पर पेपर देने के लिए पहुँचा हूँ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। साथियों, अशोक जो है उनका कहना है कि वो PWD कैटेगरी से आते हैं और यमुनानगर से वो पेपर देने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तो आप सबको भी अपने जीवन में छोटी बड़ी कोई भी अगर कहीं पर समस्या आती है, मुश्किल आती है, तो उसके सामने हार नहीं माननी चाहिए। ये जीवन एक संघर्ष है अशोक। जी जी बिल्कुल, संघर्ष है, क्योंकि इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, हर परिस्थितियों से जूझ कर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। DSSB की प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं अशोक, और बाकी हमारे जितने भी साथी इस वक्त हमें देख रहे हैं
उनको आप अपनी ओर से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बच्चे जो होते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं जिंदगी में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे पेपर देने के बाद? जिंदगी में देखो कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है परमात्मा के लिए एक अद्भुत देन है, और हर परिस्थितियों से लड़कर उसको अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति जीते हैं जीवन में कामयाब होते हैं जो कठिनाइयों का मुश्किलों का सामना करके जीवन में सफल हो जाते हैं। और आपकी नौकरी जो है अगर वो दोनों जगह